नमस्कार दोस्तों, तो हम आपके लिए लाए हैं चना का खरपतवार, जो कि एक जो है सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। तो सबसे पहले हम जो है इसका पैकिंग जो है ओपन करते हैं अंदर की ओर। ओपन करने पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अंदर क्या नहीं। तो ओपन करने से पहले हम देखते हैं इसमें जो है दो डिब्बा जो है अंदर की ओर हमें दिखाई दे रहा है, ये और ये जो है आप जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक इलिट है। इलिट ये देखो, ये इलिट और ये जो है चिपको, और अंदर की ओर एक जो है ग्लव्स है। तो सबसे पहले हम इसका जो है इलिट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। इसका नाम जो है इलिट है और टेक्निकल नाम जो है इसका टोप्रामिजोन 33-6G SC फॉर्म में जो है दिया हुआ है। ये जो है 30 ml यानी 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये 1 एकड़ के लिए आप इसे ले सकते हैं, 15 ml का होता है। 15 ml जो है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। स्प्रे में आप जो है 15 ml को 5 से 6 गिलास पानी में पेस्ट बना लेना है। उसके बाद जो है प्रति पंप में एक एक गिलास करके डालना है उसे। उसके बाद हम आपको बताते हैं ये जो कि एक चिपको है, ये समथिंग 300 ml का है। और इसका ये देखो, ये 30 ml 30 ml, और इसका प्रति एकड़ के बात करें तो ये 150 ml जो है आपको 1 एकड़ में स्प्रे के लिए मिल जाएगा। और कंपनी की ओर से जो है ये आपको भी फ्री में जो है दिए गए हैं हैंड ग्लव्स, जो कि हाथ को सावधानी रखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका एक बार नाम भी देख लेते हैं। नाम जो है इलिट है, और जो है टेक्निकल नाम जो है टोप्रामिजोन, क्योंकि SC मतलब गाढ़ा फॉर्म में जो है पेस्ट जो है अंदर की ओर मिला हुआ है। और चलिए हम आपको प्राइस के बारे में भी बता देते हैं। प्राइस का जो है प्रति एकड़ मीन्स 15 ml का जो प्राइस है जो है आपको 800 से 900 के अंदर जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसका पेस्ट बनाने की विधि जो है आपको पहले बता दिया है। और इसका कार्य जो है 6 से 7 दिन में आपको जो है असर आपको खरपतवार में देखने के लिए मिल जाएगा। सावधानी भी है थोड़ा सा इसमें। सावधानी ये चीज़ है कि जैसे आप स्प्रे करते चले जा रहे हैं लाइन में, तो उस लाइन में आपको डबल स्प्रे नहीं करने, तो थोड़ा सा आपको रिएक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट में अपना जो है कमेंट देना, हम जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे कमेंट में।